मुरादाबाद 6 अगस्त मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में तीज उत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, जादूगर जुगनू, मैक्स हॉस्पिटल से दीपक जी, फिजियोथेरेपी सेंटर से डॉक्टर दीपक राज, अंकुश गुप्ता, प्रधानाचार्य श्रीमती ममता भटनागर, श्रीमती किरण, श्रीमती मिताली गर्ग द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम माँ सरस्वती जी के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्य अर्पण किया गया। विद्यालय की छात्र छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किए एवं सावन की कजरी मल्हार व अन्य गीतों के साथ कार्यक्रम को आगाज किया। तीज उत्सव में मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें अनेक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम कुमारी परी, द्वितीय स्थान पर कुमारी दिव्या व तृतीय स्थान पर कुमारी फरीन रही। इसी प्रकार केश सज्जा कार्यक्रम में अनेक छात्राओं ने अपनी भागीदारी निभाई, जिसमें प्रथम कुमारी प्रियांशी, द्वितीय स्थान पर रही दिव्या। कार्यक्रम में अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। समस्त छात्र छात्राओं और बच्चों को तीज उत्सव के विषय में जानकारी दी गई कि तीज उत्सव क्यों मनाया जाता है। सुंदर झूले, सुंदर नृत्य प्रतियोगिताओं के साथ साथ सूक्ष्म जलपान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्त छात्राएं, समस्त शिक्षिकाएं, मैक्स हॉस्पिटल से आए डॉक्टर के स्टाफ, मानसरोवर फिजियोथेरेपी सेंटर के डॉक्टर एवं स्टाफ व क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन मैक्स अस्पताल द्वारा किया गया व संयोजन मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज द्वारा किया गया। दीदी, क्या नाम है आपका? दीदी, आज मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में क्या प्रोग्राम संपन्न हुआ? आज मानसरोवर कन्या इंटर कॉलेज में तीजोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ मेहंदी प्रतियोगिता और हेयर कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता इत्यादि थी, जिसमें कि 8 से लेकर 12 तक के एक अलग ग्रुप बना था और फर्स्ट से लेके 6 तक एक ग्रुप था, उन बच्चों ने उनमें हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम कराने का मुख्य उद्देश्य हमारा समय समय पर रहता है, जिसमें कि बच्चों में सामूहिक भावनाएं और परस्पर मेलजोल की भावनाएं पुनः जीवित हों और आपस में प्रेम भाव के साथ रहें तथा हमारी संस्कृति को पुनः जीवित करने का बल मिले। कितने बच्चों को दीदी मेहंदी लगाई गई आज कॉलेज के अंदर? सॉरी, कितने बच्चों को मेहंदी लगाई गई आज? हमारे बच्चों ने 25 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करा था जी, उसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय, चतुर्थ, इस प्रकार के उनको सेलेक्ट किया गया है तथा फिर उसके बाद हमारे मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा उनको पुरस्कार वितरित किए गए हैं इत्यादि। इसके पश्चात सारी अध्यापिकाओं को उनको लंच भी दिया गया है। क्या महत्व है दीदी तीजोत्सव का? सॉरी, क्या महत्व है तीजों का? इस तीजों का महत्व ये है कि हमें बच्चों को ये बताना है कि ये जो तीजों का सब, तीज का सब महिलाओं के लिए होता है और इसलिए होता है क्योंकि भगवान, पूरा सावन का महीना जो है वो भगवान शिव पे ही आधारित होता है, शिव की आराधना का होता है, क्योंकि मई जून की तपस्या गर्मी के बाद इस हरियाली आती है और मौसम सुहावना हो जाता है। इसके पश्चात पूरा सावन का मास जो है पूजा व्रत इत्यादि का होता है और पार्वती जी ने शिव भगवान के लिए आराधना की थी और इसीलिए हमारे बच्चों का ये बताना है कि हमें भी भगवान की पूजा में उसी तरह से समर्पित होना चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे बच्चों को? मेरी शुभकामनाएं बच्चों का ये है कि इनका उज्जवल भविष्य हो बच्चों का,